हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? यस मैम, आती है। ओके, सी वी हैव सीन वॉक ऑलरेडी, नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रेल। अ वॉक इन विच नो एज इज रिपीटेड इज कॉल्ड अ ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? जहाँ पे एजेस जो है वो रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस ग्राफ। यहाँ पे हम V3 से V1 पे जा रहे हैं। ओके, सो वी यहाँ से यहाँ पे गए टू एंड V2, देन वी आर गोइंग फ्रॉम V1। जहाँ पे एजेस जो रिपीट नहीं होते, सपोज एक बार E3 से पास हो गए तो फिर से हम E3 से वापस पास नहीं हो सकते। दैट इज नोन एज अ ट्रेल, जहाँ पे एजेस रिपीट नहीं होते। अगर V1 to V4 जाना है हमें, यहाँ पे हम एक ही बार जाएंगे E6, देन उसके बाद E5 पे जाएंगे। फिर से E4 and E1 and E6 नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज अ ट्रेल, जहाँ पे एजेस रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमें V2 से फिर से V2 पे जाना है तो कैसे जाएंगे? अगर V2 से V2 पे जाना है तो किधर से मैम? V2 से V2 पर से, अगर ऐसे गए V2 V2 से V2 V2 से जाना है V2 पे। अच्छा, तो V2 से V3। हाँ, V3 तो नहीं, V2 से V E4, फिर V4, फिर हाँ वो E3। एक अलग हो गया। और अगर V3 पे गए और फिर से अगर V2 पे जाना है तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों एजेस रिपीट होंगे, राइट? E2 जो है वो दोनों हाँ रिपीट होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि हम V2 से V3 पे आ रहे हैं। देन यहाँ पे सेल्फ लूप होके वो फिर से V3 पे आएगा, एंड देन फिर से E2 से ही वो पास होगा। तो ये ट्रेल होगा या हाँ नहीं होगा? यहाँ पे होगा, नहीं नहीं होगा, होगा, नहीं नहीं होगा होगा, क्योंकि बिकॉज रिपीट यहाँ पे, हुआ। हाँ, बिकॉज यहाँ पे एच जो है वो रिपीट हो रहा है। दिस इज नोन एज अ ट्रेल। ओके, नाउ सी अ पाथ, अ वॉक इन विच नो वर्टेक्स इज रिपीटेड मोर देन वंस इज कॉल्ड अ पाथ। बट पाथ क्या होता है? जहाँ पे वर्टेक्स रिपीट नहीं होते उसको। ट्रेल क्या था? जहाँ पे एजेस नहीं रिपीट होने चाहिए थे, राइट? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? पाथ यस मैम, वो होता है जहाँ पे वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। सी फाइंड ऑल यूवी पाथ, एक सेकेंड, ओके, सी वो नहीं हो रहा है सही। फाइंड ऑल यू टू वी पाथ इन द फॉलोइंग ग्राफ। जी, जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें यू टू वी के जितने भी पार्ट्स हैं ना, मतलब यू से वी तक जितने भी पार्ट्स हैं, दैट वी हैव टू फाइंड। सी कैसे कैसे जा सकता है वो यू टू वी? वो डायरेक्टली यू, E1 एंड V, ये एक पाथ हो गया। देन यहाँ से भी वैसे घूम के जा सकता है U2 E3, देन उसके बाद W, देन E2, देन उसके बाद V। ऐसे भी जा सकता है। देन फिर उसके बाद कैसे जा सकता है? और U से E5 तक जा सकता है X, देन E4 एंड V। ऐसे कितने बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। और एक पाथ कौन सा होगा, बोलो जल्दी से। एक और पाथ कौन सा होगा?
ऐसे भी जा सकते हैं यू टू ई, उसके बाद एक्स पे जाएंगे, देन ई सिक्स, उसके बाद डब्ल्यू पे आएंगे, देन उसके बाद ई टू से वी, ऐसे भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, पाथ पे क्या होना चाहिए, वर्टेक्स जो सी फाइंड ऑल वी टू वी फोर पाथ्स इन द फॉलोइंग ग्राफ हैविंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स वी हैव टू ग्राफ। ओके, तो ग्राफ कैसे, ग्राफ कैसे बनाएंगे? फर्स्ट सी चेक करो, वी टू वी वन जो है वो जीरो है तो नहीं होगा। वी से वी टू पे एक एज है, सो वी टू वी वी वन से वी टू पे एक एज बनेगा, एंड वी वन से कहाँ पे एक और वन है, वी सिक्स पे वन है, राइट? तो वी वन से वी सिक्स एक जॉइंट करना है, देन वी टू टू वी वन ऑलरेडी जॉइंट है वो नहीं करना है, एंड वी टू से और क्या जॉइंट है, वी टू से वी थ्री जॉइंट है, तो यहाँ पे वी टू से वी थ्री को ज्वाइन करना है। ओके, वैसे ही हम वी थ्री पे चेक करेंगे, वी थ्री पे वी थ्री किससे किससे जॉइंट है, वी टू से जॉइंट है और वी फोर से, तो यहाँ पे वी थ्री को वी फोर से ज्वाइन करेंगे एंड वी टू से ऑलरेडी जॉइंट है। ओके, वैसे ही वी फाइव देखो, वी फाइव किससे किससे जॉइंट है, वी फोर से वी से, तो यहाँ पे वी फाइव को जो है वी फोर से सिक्स से ज्वाइन करें, एंड यहाँ पे जो भी एजेस के नाम देना है, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव एंड ई सिक्स। अब ये मैट्रिक्स ग्राफ के बाद हमें चेक क्या करना है, वी वन से वी फोर, राइट? वी वन से वी फोर कितने पाथ्स हो सकते हैं, दो जो आवाज मैम। जा रही है ना, सकते हैं, हाँ करेक्ट। एक तो यहाँ से जाएगा एंड नेक्स्ट दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, सो क्या होगा पाथ, वी वन ई वन वी टू देन ई टू वी थ्री, करेक्ट, देन ई थ्री एंड वी फोर, हाँ करेक्ट, और एक यहाँ से जा सकता है। ओके, दैट इज नोन एज पाथ। अब पाथ और ट्रेल के बीच में डिफरेंस बोलो क्या है। यहाँ पे वर्टेक्स सेम नहीं रहना चाहिए और वहां पे एजेस हाँ, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या है, साइकिल, अ क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड अ साइकिल और अ सर्किट। पाथ क्या होता है, पाथ इन विच नो वर्टेक्स शुड बी रिपीटेड, तो जहाँ पे वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहे और जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्टेक्स पे अगर एंड हो रहा है ना, दैट इज नोन एज अ साइकिल और अ सर्किट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस ग्राफ, ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे पाथ क्या होगा, सी वी वन ई वन वी टू ई टू वी थ्री ई फोर वी फोर, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वी वन से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, वी फोर पे, तो सर्किट है या नहीं है, नहीं है, राइट? दिस कैन बी अ पाथ बिकॉज, हाँ बिकॉज यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, पाथ होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्या देखो, वी सेवन से स्टार्ट हो रहा है एंड वी थ्री पे एंड हो रहा है, सी वी सेवन से जा रहा है वी फाइव पे, देन उसके बाद वी सिक्स, देन वी फोर, देन वी टू एंड देन वी थ्री, तो ये भी पाथ है एंड इसकी लेंथ कितनी है, फाइव। ओके, वैसे ही वी फाइव से एक स्टार्ट हो रहा है एंड वी सिक्स पे जा रहा है, सी यहाँ पे क्या है, वी फाइव वी फोर एंड फिर से आया वी फोर, तो ये पाथ होगा नहीं होगा, यहाँ पे हर नो एक बार में, हाँ सिंगल ही वर्टेक्स थे, यहाँ पे वी फोर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इट इज नॉट अ पाथ। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, ये स्टार्ट हो रहा है वी टू से देन एंड हो रहा है वी टू पे, तो ये क्या होगा, पाथ होगा कि सर्किट होगा, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होके उसी वर्टेक्स पे एंड होता है, दैट इज नॉन नोन एज अ सर्किट और अ साइकिल। ओके, देन कितने जो एजेस से वो ट्रैवल करता है उसकी पता चलती है, देखो सपोज यहाँ पे कितने एजेस ट्रैवल कर रहा है, ई वन देन ई टू एंड देन ई फोर, तो उसकी लेंथ क्या होगी, थ्री। वैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट वी सेवन एंड वी फाइव के बीच में एक एज होगा, यहाँ पे वन टू देन यहाँ पे थ्री एंड यहाँ पे फोर एंड यहाँ पे फाइव, फाइव एजेस होंगे तो लेंथ इज इक्वल टू फाइव। ओके, देन नेक्स्ट सी, इफ जी इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑन 10 वर्टाइसेस देन फाइंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन जी, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो सकते हैं जी में जिसमें है 10 वर्टाइसेस। ओके,
अभी दो वर्टाइसेस जो है वो साइकिल बना सकते हैं। दो वर्टाइसेस, साइकिल क्या होता है, मीन्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड होना चाहिए। तो ट्रायंगल जो है ए बी, अगर सी हमने लिया तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोज सर्किट। इसको अगर दो वर्टाइसेस है ए एंड बी, तो इसको बोल सकते हैं क्लोज सर्किट, नहीं बोल सकते, राइट। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड होना चाहिए। तो क्लोज सर्किट कहाँ से स्टार्ट होता है, कितने वर्टाइसेस से, हम एक वर्टाइसेस से क्लोज, एक वर्टेक्स से क्लोज सर्किट नहीं बना सकते, दो वर्टेक्स से भी क्लोज सर्किट नहीं बना सकते, कितने वर्टेक्स से बना सकते हैं, तीन तीन वर्टेक्स से, राइट। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 10 वर्टाइसेस है, फ्रॉम दैट वी हैव टेकन 3 वर्टाइसेस। इसको सॉल्व कैसे करते आता है, राइट, 10 कॉम्बिनेशन 3, देन उसके बाद उसके ऊपर जितने भी है अप टू 10 हम सब लेके क्लोज वर्टाइसेस जो है बना सकते हैं। 4, अगर 4 वर्टाइसेस लिए हमने तो उससे भी क्लोज सर्किट बन सकती है, 5 से भी लिए तो 5 से भी क्लोज सर्किट बन, 7, 8, 9, 10 सबसे जो है क्लोज सर्किट बन सकती है, ओके, 2 एंड 1 को छोड़ के। इसीलिए हमने यहाँ पे लिया 10C5, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 डिफरेंट साइकिल्स रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 वर्टेक्स से स्टार्ट होते, सो सिलेक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 10, 4 फ्रॉम 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। देन इट स्टार्ट्स, पहले आएगा सम टू 10 फॉर 10, समेशन आर इज इक्वल 10 सी। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी रखें तो इट इज ओके, ओके। नेक्स्ट सी, वी हैव लूप्स एंड मल्टीपल एजेस। लूप तो पता है क्या होता है, इफ बोथ द एंड वर्टाइसेस ऑफ एन एज आर सेम देन द एज इज कॉल्ड अ लूप। अबे अगर हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे क्या होता है, एंड वर्टाइसेस कौन सा है, यहाँ पे लूप क्या है, V7 देन E9 एंड V7। अगर इसको हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, V7, E9 एंड V7, स्टार्ट हो रहा है V7 से, एंड भी हो रहा है V7 पे, जहाँ पे एंड वर्टाइसेस जो है, एक एज के एंड वर्टाइसेस जो है वो सेम है, देन दैट इज नोन एज अ सेल्फ लूप, ओके। देन नेक्स्ट सी दिस एग्जाम्पल, यह वी इज इक्वल टू वर्टाइसिस कौन से है, V1, V2 एंड V3, एजेस है E1, E2, E3, E4 एंड E5, ओके। यहाँ पे एज कौन, लूप कौन सा है, E1 लूप है, E2 लूप है, E4 लूप है, कौन सा है लूप, E4 E4 इज अ लूप, ओके। सो ऑब्जर्व इन G3 एजेस E1 एंड E2 हैव सेम पेयर ऑफ एंड वर्टाइसिस, एंड वर्टाइसिस कौन से है वहाँ पे, V3 एंड V3, ओके। नाउ पैरेलल एजेस क्या होते हैं, सी पैरेलल एजेस, इफ टू और मोर एजेस हैविंग सेम टर्मिनल वर्टाइसेस देन दीज एजेस आर कॉल्ड एज पैरेलल एजेस। सपोज यहाँ पे V1 एंड V2, यहाँ पे E2 के एंड वर्टाइसेस क्या है, V1 V2, E1 का भी एंड वर्टाइसेस क्या है, V1 एंड V2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एजेस के जो है सेम टर्मिनल वर्टाइसेस एंड वर्टाइसेस है, देन दीज टू एजेस E1 एंड E2 आर नोन एज अ पैरेलल एज और अ मल्टीपल एज। और एक है यहाँ पे पैरेलल एज कौन सा है, E3 E4 एंड E3, जहाँ पे वर्टेक्स V2 एंड V3 जो है वो दोनों के भी एंड वर्टाइसेस है। अब E6 एंड E7 है या नहीं है पैरेलल एज, सी इसका एक, दोनों का भी एक V4, हाँ दोनों का भी एक ही वर्टेक्स सेम है, दूसरा जो है V2 है एंड V1 अलग अलग है, देन दिस इज नॉट अ पैरेलल एज, ओके। द नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, योर E1 इज इक्वल टू, ये वाला एग्जाम्पल E1 इज इक्वल टू क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, V1 एंड V3, तो E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 V3। E8 इज इक्वल टू क्या है, बोलो E8 इज इक्वल टू क्या, V1 एंड V3। एंड E5 इज इक्वल टू भी क्या है,
E5 किधर है? यहाँ हाँ पे E5, हाँ V1 और ई V3 फाइव भी है। है, वी वन एंड वी थ्री। तो ई वन, E8 एंड ई फाइव, ये तीनों क्या है? पैरेलल पैरेलल एजेस। और इसमें एक सेल्फ लूप है, वो कौन सा है? E9। E9। ओके okay. हाँ, सिंपल ग्राफ, अ ग्राफ लूप्स एंड पैरेलल एजेस इज कॉल्ड अ सिंपल। ना लूप होता है ना पैरेलल एजेस होते हैं। सपोज ये ग्राफ क्या हो गया, एक सिंपल ग्राफ। यहाँ पे ना लूप है ना कोई पैरेलल एज है, दिस इज नोन एज अ सिंपल ग्राफ। ओके, देन नेक्स्ट सी मल्टी ग्राफ। अ ग्राफ विथ पैरेलल एजेस बट नॉट लूप इज कॉल्ड एज अ मल्टी ग्राफ। यहाँ पे दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है मल्टी ग्राफ का? मल्टी ग्राफ मतलब क्या, जहाँ पे पैरेलल एजेस हो सकते हैं बट लूप्स नहीं होने चाहिए। ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन है मल्टी ग्राफ का, लूप में फर्स्ट या होने से सेकेंड? ऊपर वाला, ऊपर हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट वाला। ओके, द नेक्स्ट ये कंपाउंड ग्राफ, सुडो ग्राफ। अ ग्राफ विच कंटेन्स लूप्स और पैरेलल एजेस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड ग्राफ। जहाँ पे लूप्स भी चलेंगे एंड पैरेलल एजेस भी चलेंगे, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड ग्राफ। यहाँ पे इसे एग्जाम्पल्स दिए हुए सिंपल ग्राफ के। सिंपल ग्राफ मीन्स एक सिंपल सा स्क्वायर विच डज नॉट हैव एनी लूप और अ पैरेलल एज। देन यहाँ पे कंपाउंड ग्राफ। कंपाउंड ग्राफ क्या होता है? जिसमें पैरेलल एजेस एंड लूप दोनों भी चलेंगे। यहाँ पे लूप है तो ये क्या हो गया, कंपाउंड ग्राफ विच हैज लूप इन इट। यहाँ पे सी दोनों है, पैरेलल एज भी है एंड यहाँ पे लूप भी है, तो क्या होगा, ये कंपाउंड ग्राफ कंटेनिंग लूप एंड पैरेलल एज। यहाँ पे क्या है, ओनली पैरेलल एज। तो इसको हम मल्टी ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टी ग्राफ क्या होता है, विच हैज अ पैरेलल एज बट नॉट लूप। यहाँ पे सिर्फ पैरेलल एजेस, हम इसको मल्टी ग्राफ भी बोल सकते हैं एंड हम इसको कंपाउंड ग्राफ कंटेनिंग पैरेलल एजेस भी बोल सकते हैं। ओके, और सी दिस टेबल। ग्राफ कौन से है, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ और कंपाउंड ग्राफ? सिंपल ग्राफ में लूप होता है, नो मैम, नो। तो यहाँ पे नो। पैरेलल एजेस होते हैं, नो। मल्टी ग्राफ में लूप्स होते हैं, मल्टी ग्राफ में लूप अलाउड नहीं है, पैरेलल एजेस अलाउड है, तो यहाँ पे यस। एंड कंपाउंड ग्राफ में दोनों चलेंगे, सो यस एंड यस। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स वी इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ वर्टेक्स। हमने देखे थे डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होते हैं, देखे थे राइट? एक एज पे कितने वर्टेक्स इंसिडेंट होते हैं, दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अगर हम यहाँ पे वी फाई का देखें तो वी फाई की डिग्री क्या होगी, कितने एजेस पास हो रहे हैं यहाँ से, सिर्फ एक ही, तो वी फाई की डिग्री क्या होगी, वन, राइट? अगर हम यहाँ पे वी फोर देख रहे हैं तो वी फोर से कितने कनेक्टेड है, वन, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो वी फोर के कितने होंगे, डिग्री फोर। फोर, राइट? हाँ, यहाँ पे वी वन की डिग्री कितनी है, एक तो ये सेल्फ लूप उसका दो हो गया, देन थ्री एंड ये वाला फोर, तो वी वन की डिग्री कितनी हो गई, फोर। अब वी टू की डिग्री कितनी है, जल्दी से बताओ फास्ट। 1 2 3 4 5 6 2 लूप्स हाँ, और 2 सिक्स। लग। हाँ ओके, देन वी थ्री की डिग्री है थ्री, ऐसे ही वी फोर की डिग्री तो हमने चेक किए थे फोर। वी फाइव की डिग्री कितनी है, वी फाइव की डिग्री यहाँ से यहाँ पे वन। एंड वी सिक्स की डिग्री कितनी है, कुछ भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो वी सिक्स डिग्री ऑफ वी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। जी हाँ, अब नेक्स्ट सी आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होते हैं और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होते हैं। अ वर्टेक्स विद डिग्री जीरो इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा कौन से वर्टेक्स की डिग्री जीरो थी, वी सिक्स की, राइट? तो ये वी सिक्स वर्टेक्स क्या हुआ, आइसोलेटेड वर्टेक्स जिसकी डिग्री जीरो होती है, दैट इज नोन एज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। एंड अ वर्टेक्स विद डिग्री वन इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स। यहाँ पे किसकी डिग्री वन थी, ये वी फाइव की, राइट? हाँ हाँ, वी फाइव की। सो अ वर्टेक्स विद डिग्री वन इज कॉल्ड एज अ पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, अब यहाँ पे सी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक। अब इसमें से बताओ कौन सा वर्टेक्स जो है पेंडेंट वर्टेक्स है एंड कौन सा आइसोलेटेड वर्टेक्स है।
पेंडेंट वोर्टेक्स कौन सा है जिसकी डिग्री सिर्फ वन है? देखो यहाँ पे, हाँ V4 ना, हाँ V4। हाँ, एन आइसोलेटेड वोर्टेक्स कौन सा है? अंदर है V2। हाँ V2। ओके, देन डिग्री ऑफ अ ग्राफ, सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ग्राफ। अब हमने यहाँ पे डिग्रीज जो देखे थे सब, अगर सबके सम कर दिए तो दैट इज ओन एज एडिशन। अगर सबके कर दिए हमने डिग्री ऑफ V1 टू डिग्री ऑफ V6, 4 + 6 + 3 + 4 + 1 + 0, सो दैट विल बी अ डिग्री ऑफ अ ग्राफ टोटल, इन टोटल। ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक ग्राफ कंसिडर करो, V1, V2, V3, V4 एंड V5। सबके पहले हम डिग्रीज फाइंड करेंगे। जल्दी से बताओ, V1 की डिग्री कितनी है? वन टू थ्री एंड टू। हाँ, V2 की डिग्री कितनी है? नहीं नहीं V2 की 1 to 4, नहीं 4। हाँ, V3 की कितनी है? V1 वन। वी फोर की कितनी है? टू। टू एंड वी फाइव की कितनी है? थ्री। ओके, तो डिग्री थ्री ऑफ ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, डिग्री ऑफ ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे? 2 + 4 = 6 + 1 = 7 + 2 = 9 एंड + 3 = 12। तो डिग्री ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू 12। ओके, देन नेक्स्ट, यस वैसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके भी डिग्रीज फाइंड करना है। डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू, एक सेल्फ लूप है यहाँ पे, देन इसका 2 हो गया, +3 यहाँ पे 4, एंड दिस वन है इज 5। तो डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 5। वैसे ही सेम V2 है, यहाँ पे एक सेल्फ लूप हो गया, 1, 2 एंड ये वाला 3। सो सेल्फ लूप +3 इज इक्वल टू 5। वैसे ही डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। सो डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू 3। डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। तो डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू 5 हो गया, एंड डिग्री ऑफ V6 इज इक्वल टू ओनली 1। देन इसके सबका टोटल करना है। 5 + 5 इज इक्वल टू 10, +3 = 13, +5 = 18, +1 = 19 एंड डिग्री ऑफ V6 भी लेना है वहाँ पे। डिग्री ऑफ V6 इज इक्वल टू 1 है, तो 19 + 1 इज इक्वल टू 20। तो टोटल ऑफ डिग्री ऑफ दैट ग्राफ इज 20। ओके, ओके, कुछ प्रॉब्लम समझ में आया सब? ट्रेल ट्रेल यस क्या था? ट्रेल क्या था, जहां पे एज या वर्टेक्स क्या रिपीट नहीं होना चाहिए? ट्रेन में एज रिपीट नहीं होने चाहिए। हाँ, पाथ में वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। देन सर्किट क्या होता है? सर्किट जहां से शुरू हुआ है वहां पे ही खलास होना चाहिए ना। हाँ, एंड पैरेलल एजेस क्या होते हैं? पैरेलल एजेस मतलब जिनके वर्टाइसेस दोनों के सेम रहते हैं वो। हाँ, एंड वर्टाइसेस दोनों के। मल्टीग्राफ क्या है? मल्टी ग्राफ है कि नो लूप और है ना पैरेलल एजेस सिर्फ चाहिए, लूप नहीं चाहिए। हाँ, कंपाउंड ग्राफ में दोनों भी चलेगा। डिग्री ऑफ वर्टेक्स तो पता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है? आइसोलेटेड में ना जीरो जिसका ये रहता है ना हाँ वो जिसकी डिग्री जीरो रहती है वो हाँ एंड पेंडेंट वर्टेक्स।